गाइस वेलकम बैक टू एन अनदर व्लॉग। हो एवरीवन वेलकम बैक टू एन अनदर व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ नाइग्रा फॉल्स अपने फ्रेंड साकेत के साथ। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं नाइग्रा फॉल देख रही हूँ। तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि नाइग्रा फॉल कैसा दिखता है। तो चलो, तो ये आज की हमारी राइड है। आज हम जा रहे हैं मस्टैंग मैकी में। तो अब जाती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मैं अपना ट्राईपॉड भूल गई थी, तो मेरा फ्रेंड है तुषार जो कि यहाँ से दिख नहीं रहा, बट उसने मेरे को दे दिया ताकि मेरी वीडियोस और अच्छी बने। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप कनाडा में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अपनी सीट बेल्ट लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई और पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया और आप 16 साल से ऊपर हो, तो जो टिकट है वो ड्राइवर को नहीं पैसेंजर को मिलेगी। तो इस वजह से हमेशा याद रखना कि आप कनाडा में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो सीट बेल्ट ज़रूर वेयर करनी है। इवन पीछे भी जो लोग बैठे हैं उनको भी सीट बेल्ट हमेशा पहन के ही चलना है। ये आपकी सेफ्टी के लिए भी है, प्लस कनाडा के रूल्स ही ऐसे हैं कि आपको वेयर करनी ही करनी है। तो मेक श्योर सीट बेल्ट हमेशा आपकी लगी हो। तो हम लोग निकल पड़े हैं और अभी पहले हमें करनी है गाड़ी चार्ज, क्योंकि जो ये कार है वो इलेक्ट्रिक है और यहाँ कनाडा में कैसे गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसे चार्ज होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले करेंगे हम गाड़ी को चार्ज, उसके बाद हम जाएंगे नाइग्रा। तो मुझे ये जो मिरर है ऑब्वियसली गर्ल्स के लिए होता है ताकि वो अपना मेकअप वगैरह सेट कर सके, बट मुझे इसका ये फीचर बहुत अच्छा लगा कि इसमें लाइट भी है ताकि आपको आपका मेकअप आपका फेस एकदम क्लियर दिखे, आपको अपना एक एक पोर एक एक चीज अच्छे से दिखे। तो आई लाइक दिस, बहुत प्यारा लग रहा है और बिल्कुल फेस क्लियर दिख रहा है। रात में भी आप फेस देख सकते हैं। हाँ, रात में भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली सही बोल रहा हूँ कि रात में मतलब अंधेरा होता है, जैसे सनलाइट अभी तो है तो अभी तो विजिबल हो रहा है, बट रात में ये लाइट्स दे रखी हैं ताकि आपको रात में भी अच्छे से फेस आपका देख सको। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं चार्जिंग पॉइंट के पास। तो वो जो सामने ब्लू है ये यहाँ पे कनाडा में ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अब हम अपनी गाड़ी लगाएंगे चार्ज, चार्ज करने के बाद निकले। वो यहाँ पे ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमने अपनी गाड़ी लगा दी है चार्ज पे। तो साकेत आपको बताएंगे कि कैसे ये चार्जिंग होती है। तो बेसिकली ये जो चार्जिंग जो बोलो चार्जिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपका कार्ड रीड करने के लिए है और ये जो HMI है, ये जो HMI है बेसिकली, ये आपको सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दो तरह का चार्जर होता है, मैं दिखा रहा हूँ। एक होता है CCS जो कि फास्ट चार्जर होता है, इसमें भी दो टाइप के टाइप होते हैं, मतलब कितना किलोवाट का चाहिए कितना चाहिए। एक नॉर्मल होता है, ठीक है, ये भी डिफरेंट होता है। तो मैंने फास्ट चार्जर कनेक्ट कर रखा है अपने व्हीकल में और ये लाइट ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये चार्ज होना शुरू हो रहा है, ठीक है। और हमें उस जो ये डिस्प्ले है इसमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमें कौन सा किलोवाट का चाहिए कितना चाहिए। तो हम लोगों ने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। सेलेक्ट करने के बाद ये कार्ड रीड करने के लिए बोलता है, यहाँ पे आप कार्ड इंसर्ट कर सकते हो या स्वाइप भी कर सकते हो। अगर पिन की ज़रूरत होगी तो पिन पूछेगा, अगर पिन की ज़रूरत नहीं होगी तो वो बिना पिन पूछे भी वो रीड कर लेता है कार्ड को। उसके बाद यहाँ पे चार स्टेप्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली वो डाटा फेच करता है और इनिशियलाइज करता है चीज़ों को, सॉरी यहाँ पे। और उसका जो स्टार्ट जैसे आप देख रहे हैं 90% बैटरी, 20% चार्ज हो गया है, बहुत फास्ट है। और अगर आप इसमें एंड करना चाहें तो इनका ऑप्शन है, सेशन का डिटेल लेना चाहें उसका डिटेल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और आई थिंक आप इसका जो बिल है वो अपने मेल पे ले सकते हैं अगर आपका मेल, और अपने आप बैंक से तो निकाल ही सकते हैं एटलीस्ट बाकी। तो काफ़ी अच्छे तरीके से साकेत ने एक्सप्लेन किया है। तो हमारी गाड़ी हो रही है यहाँ पर चार्ज, चार्ज करके हम निकल। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि हमने फास्ट चार्जर में कनेक्ट कर रखा है, सो ये दिखा रहा है यहाँ पर लाइक 27% चार्ज हुआ है, 85 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है और ये बता भी रहा है कि 80% चार्ज जो है 2:02 तक हो जाएगा। और आप शायद वहाँ देख सकते हैं उसमें भी, जैसे यहाँ भी 27% चार्ज हुआ, सेम रिफ्लेक्ट यहाँ भी कर रहा है, दोनों जगह पर सेम। और हम लोगों ने गाड़ी कर ली है चार्ज और अब हम लोग निकल चुके हैं। और जैसे कि मैं इसकी लोकेशन देख पा रही हूँ कि हम लोग ने हाईवेज करे हैं अवॉइड,
क्योंकि हम लोग सिटी के अंदर से जा रहे हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑल दो अगर आप किचनर से नाइग्रा तक जाओगे तो आपको एक सवा घंटा लगता है ड्राइव में, बट हम लोग जा रहे हैं सिटीज़ के अंदर से तो वहाँ पे जैसे ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, रेड लाइट्स भी ज़्यादा होती हैं, तो वो दिखा रहा है 139 किलोमीटर्स। तो जो मेरी लोकेशन है वहाँ से तो 139 किलोमीटर्स दिखा रहा है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि दूसरों की आप लोग कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो नाइग्रा के लिए। तो 139 किलोमीटर्स और अराउंड 2 आवर्स 30 मिनट्स का रास्ता है, क्योंकि हाईवे से आप स्पीड लेके जा सकते हो 120-130 किलोमीटर्स पर आवर, बट यहाँ पे हम मैक्सिमम लाइक बिलो 80 किलोमीटर्स पर आवर पे ही चला सकते हैं। तो इसीलिए हमें 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा वहाँ यहाँ से वहाँ जाने में। तो ये हम लोग जा रहे हैं कंट्री साइड वाली जगह से, आप देख सकते हो अभी धीरे धीरे फॉल के कलर्स आने लग गए हैं, मतलब कि बट अक्टूबर तक लाइक अराउंड मेरे बर्थडे तक बहुत सुंदर हो जाएगा, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो अभी हमारी गाड़ी चल रही है ऑटोमेटिक मोड पे, साकेत कुछ भी नहीं कर रहे हैं और गाड़ी अपने आप चल रही है 78 की स्पीड पे। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक कार्स में जितनी ज़्यादा क्रूज ब्लू क्रूज फीचर, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया ही था ब्लू क्रूज फीचर होता है, काफी हाई एक्सटेंड गाड़ियों में आता है ये फीचर। Years later. तो फाइनली 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं नाइग्रा फॉल। तो अभी हम लोग एक कोई जगह है पहलाम स्ट्रीट, वहाँ पे है और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता दिखा रहा है, लाइक 23 मिनट्स का भी और वे दिखा रहा है, और सामने जैसे कि सीधा ही रास्ता है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो देखो, और बस पहुँचने वाले हैं जल्दी से। ओ फाइनली अब 1.4 किलोमीटर्स रह गया है और नाइग्रा जो जगह है वो कुछ ऐसी सी दिखती है, बहुत सुंदर लग रहा है, और सामने लिखा हुआ है नाइग्रा रीजन सिटी ऑफ नाइग्रा फॉल्स। तो बस 1 किलोमीटर के लगभग रह गया है, अभी जाते हैं। इस जगह का नाम बहुत फनी है, देखो तो बहुत हंसी आ रही है ये देख के, लाइक चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये जगह इंडिया में होती तो पक्का बहुत मजाक बनने वाला था इस जगह का। ये नाइग्रा फॉल्स के आसपास की जगह है, ये कैसीनो है, ये ओके ये कैसीनो है, वाओ नाइस। और जैसे आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि हम गुड़गांव आ गए हैं बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्रिटी है, लाइक जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सुंदर जगह है। और अभी आई थिंक ये यहाँ का मे बी डाउनटाउन एरिया है, है ना, लग डाउनटाउन एरिया जैसा रहा है। तो अभी बस हम लोग यहाँ पे हर चीज़ नाइग्रा के नाम से है, क्योंकि ऑब्वियसली ये नाइग्रा सिटी है तो सारी चीजें नाइग्रा के नाम से ही होंगी, होता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा। और यहाँ पे यहाँ से नाइग्रा दिखता है पूरा नीचे, मतलब ऊपर से नीचे ऐसा दिखता है, पूरा दिखता है नाइग्रा। तो लोग यहाँ पे मतलब रहते हैं, ये बहुत बड़ा। तो गाड़ी के शीशे खोल लिए हैं हमने, और जैसे कि आसपास नाइग्रा फॉल है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा विंडी है तो बाल उड़ रहे हैं, बहुत ठंडी हवा है, और वो लेफ्ट साइड में कुछ अगर शायद आप लोग देख पा रहे होगे, बट नहीं क्लियरली आप लोग नहीं देख पा रहे हो। तो यहाँ से कुछ एंट्री है ऐसी दिखती है, और सामने नाइग्रा फॉल दिख रहा है मुझे, होप सो आप लोगों को भी दिख रहा हो थोड़ा बहुत। बाकी अभी क्लियर व्यू तो मैं आप लोगों को वहीं जाके दिखाऊंगी, वेट मैं थोड़ा सा जूम करके कोशिश करती हूँ कि आप लोग देख पाओ नाइग्रा फॉल को, मतलब कि पहाड़ से कैसा व्यू है। सी ओके तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, ओके चलो अब जाते हैं और देखते हैं। करते
सुंदर जगह है यहाँ पे, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ यहाँ पे क्या है। आप लोग सुन सकते हो सिद्धू मूसेवाला का गाना चल रहा है, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी कॉपीराइट आ जाएगा, बट द ढाबा नाम से है। तो नाइग्रा में भी भाई इंडियंस है ब्रो। तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा सा है, और जो ये बिल्डिंग दिख रही है आपको ये शेरटन कॉलेज है, बिल्कुल नाइग्रा फॉल्स के सामने। तो बस सामने आपको जैसे दिख रहा होगा नाइग्रा फॉल्स है, तो बस हम वॉक करके जा रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं जो असली व्यू हम लोग यहाँ देखने आए हैं वो। ये शेरिटन कॉलेज की बिल्डिंग है और बिल्कुल, और बगल में कैसीनो भी है। यस तो हम पहले वहाँ जाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। फाइनली ये नाइग्रा फॉल है, और ये जो साइड है ये यूएसए की साइड है जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और हाँ मम्मा पापा, आप लोगों को यूएस जाना है तो देख लो, आपकी बेटी ऑलमोस्ट यूएस आ गई है। तो इस साइड का जो है वो इतना ज़्यादा हैपनिंग नहीं है, ऐसा बताते हैं कि कनाडा वाला साइड का जो नाइग्रा फॉल है वो बहुत ही प्रिटी है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो नीचे वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी हो रही है, और दिस व्यू इज़ समथिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये साइड है यूएस की, जो वो वाली साइड है वो है कनाडा की। तो अभी मैंने आपको यूएस वाली साइड का नाइग्रा फॉल दिखाया है, अभी कनाडा वाली साइड भी जाते हैं तो नाइग्रा फॉल्स के सिनेमेटिक शॉट्स इन्जॉय करना, और मेरे थ्रू आप लोग भी देख लो नाइग्रा फॉल्स को। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आई होप आप लोगों को भी मज़ा आ रहा हो। तो कमेंट्स में करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। वो जो वो सामने दिख रहा है वो यूएस है, मतलब ये जो ब्रिज है ये कनाडा को और यूएस को ज्वाइन करता है, इस ब्रिज से आप यूएसए भी जा सकते हो। तो ऐसा कुछ व्यू है, सी गाइस बहुत प्रिटी लग रहा है, तो देखते हैं अभी आगे जाके। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि बोटिंग हो रही है, और कनाडा वाले जो लोग हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, उन्होंने रेड कलर का मतलब कवर पहन रखा है, लाइक इट्स काइंड ऑफ अ रेनकोट। और रेड वाली साइड जो दिख रही है वो आपको दिखेगी कि कनाडा वाले लोगों ने डाल रखी है, और जैसे कि आप लोग सामने देख सकते हो वो ब्लू है, और जो ब्लू है ब्लू पहन रखी है यूएस वाले लोगों ने। तो जो लोग यूएसए से नाइग्रा फॉल्स देख रहे हैं वो ब्लू वाले हैं, और जो रेड वाले हैं वो कनाडा वाले लोग हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है, सामने रेनबो बन रहा है, लाइक वाओ कितना प्रिटी लग रहा है देखने में रेनबो। आप जैसे देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा देती हूँ, सी कितना प्यारा है। तो ये है कनाडा वाली साइड, आप जैसे देख सकते हो वहाँ बोटिंग हो रही है, और कितनी डीप मतलब फॉल तक चली जा चुकी है। तो वो बोटिंग भी करेंगे बट आज नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम मैं और साकेत अकेले आए हैं। तो जिस दिन मैं अपने मतलब सारे लोग फ्रेंड्स वगैरह के साथ आऊँगी तो उस दिन बोटिंग करेंगे, उस दिन वहाँ का व्लॉग दिखाऊँगी मैं आपको पूरा नीचे जाके। तो जैसे कि आप देख सकते हो कलर्स लाइक कितने ब्यूटिफुल है, ग्रीन कलर, और पानी इतना साफ है, बहुत ज़्यादा साफ है, लाइक मतलब ये जो धुआं उठ रहा है ये धुआं नहीं है, ये पानी है। तो अभी जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे तो ये पानी और ज़्यादा पास आता जाएगा। तो वो है यूएस वाली साइड, यूएस वाला नाइग्रा फॉल, और ये है कनाडा वाली साइड, डिफरेंस आप दोनों देख के बता ही सकते हो। और ये तो क्या व्यू है भाई, बहुत ही प्रिटी, बहुत ज़्यादा। तो ये है कनाडा वाली साइड का रेनबो, तो आप लोग जैसे देख सकते हो मैंने एक स्नैप भी ले लिया थंबनेल के लिए। तो मैं क्या बताऊँ यहाँ पे, लाइक मैं क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितना सुंदर ये व्यू है, कितना प्यारा लग रहा है। आप लोग देख सकते हो पीछे रेनबो बन रहा है और पानी ऐसे मुँह पे आ रहा है, तो बहुत ही सुंदर, मतलब अच्छा इस साइड से नहीं आ रहा। तो सी वॉट अ व्यू। फाइनली हम लोग बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि पानी का फ्लो कितना तेज है, कितना ज़्यादा, मतलब एक बारी को कोई देखे तो उसकी बैंड बज जाए।
और रेनबो तो बहुत ही सुंदर, पूरा रेनबो बन रहा है सी गाइस, कितना ब्यूटीफुल है। और पानी का प्रेशर लाइक लिटरली मुझे डर लग रहा है यहाँ खड़े होके कि कितना तेज पानी है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ भी भीगे हैं क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ऊपर आ रहा है, पूरा गीला हो रखा है। और यहाँ तो पूरा बारिश हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख सक रहे हो कि पूरा बारिश हो रही है। सी गाइस बहुत प्रिटी है। तो जहाँ पे धूप हो और पानी हो वहाँ पे रेनबो ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पानी मेरे मुँह पे आ रहा है, बट वॉट अ फीलिंग, मेरी आँखें नहीं खुल पा रही है क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है। तो आप लोग देख सकते हो पीछे मेरे है नाइग्रा फॉल, पानी की बूंदें उड़ रही है ऊपर, ऊपर तक पानी, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है। हाँ, पानी की बूंदें इतनी तेज है कि ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है। तो आप लोग जैसे देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है गाइस, बट लिटरली ये कोई बारिश नहीं है, ये नाइग्रा फॉल का पानी है जो कि इतनी प्रेशर से आता है कि पूरा भीग जाते हैं मेरे बाल वगैरह, सब कुछ भीग चुके हैं। और मेरे मेकअप की होगी ऐसी तैसी, साकेत भी पूरा भीग चुका है और साकेत कह रहा बस कर व्लॉग, लेकिन मैं नहीं, मैं चाहती हूँ मैं सबको दिखाऊं कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो मुझे बताना आप लोगों को कैसा लगा नाइग्रा फॉल। A few moments later, वापस आ चुके हैं नाइग्रा फॉल से। और जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लिप में देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा भीग गई थी, लेकिन वहाँ से यहाँ तक आते आते मैं सूख भी गई हूँ, बाल कपड़े सब सूख गए। और आप पीछे मेरे देख सकते हो लाइक ये पूरी मार्केट है, बहुत सुंदर। आप मेरे पीछे व्यू भी देख रहे होंगे, कितना सुंदर लग रहा है ये सब सी। और यहाँ का वाइब बहुत अच्छा है, अब धीरे धीरे अंधेरा भी हो जाएगा तो सी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ें भी हैं और मतलब इतना प्यारा एम्बियंस है यहाँ पे पूरा कि अभी जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है ये और भी ज़्यादा सुंदर लगने लग गया है। जैसे कि आप देख सकते हो पीछे भी मिरर मेज है, बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रेट कैनेडा मिडमैन, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। तो अब हम वापस जा रहे हैं अपनी कार जहाँ हमने पार्क करी है उस तरफ। और आज का वीडियो में मैं इतना ही दिखा पाई हूँ आपको, तो होप आप लोगों के लिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फाइनली चलते चलते हम पहुँच चुके हैं अपनी गाड़ी की तरफ और होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना और मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस अच्छे से जल्दी जल्दी मिल जाए और उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और आगे मेरे चैनल को भी शेयर करना ताकि मैं फटाफट से सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़े और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव और कनाडा की और अच्छी अच्छी जगह में मैं एक्सप्लोर करूँगी और आपको वो सारी जगहें दिखाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।